ऑडियो ओके है। हेलो। यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? ओके यस सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। आज लास्ट क्लास है मेरा 199 वाला सब्सक्रिप्शन खत्म। हाँ शायद लास्ट, फिर हम लोग सीसीएनए कोर टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, राइट? तो लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट बार था मेरा क्लास। ओके, एक्सपीरियंस अच्छा था। यस सर। आगे बार महंगा वाला कोर्स कर दिए। ओके ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी डिस्कशन है तो लास्ट में रखेंगे एज पर टॉपिक। ओके, एंड सो लास्ट डे हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड भी कवर किया एंड इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट लैन सेटअप भी हमने बिफोर यस्टरडे सेशन कवर किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट TCP/IP मॉडल। किसी ने पूछा भी था कि TCP/IP मॉडल छूट गया, तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं इन OSI मॉडल के ही रेफरेंस में, बट एक बार हम डिटेल कर देते हैं। बट बिफोर TCP/IP मॉडल यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट OSI मॉडल, राइट? सो OSI मॉडल एक प्राइमरी नॉलेज है। विदाउट OSI मॉडल अगर आप समझ रहे हो TCP/IP तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो ऑलरेडी मैं OSI मॉडल कंप्लीट कर चुका हूँ। सो TCP/IP मॉडल एंड वन मोर टॉपिक विच इज IP एड्रेस, राइट? TCP/IP मॉडल एंड IP एड्रेस, देन जॉब गाइड फॉर बिगनर। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। तो म्यूट रखेंगे सभी लोग एंड स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी टॉपिक है आज का, जिसमें आप ऑलरेडी 50% नॉलेज के साथ सारी चीजें जानते हैं। ओके, सो TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल, ये दो मॉडल थे। दोनों में क्या डिफरेंस था पहले से, किसी को कुछ आइडिया है क्या? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ? व्हाट अबाउट TCP/IP मॉडल एंड व्हाट अबाउट OSI मॉडल? OSI मॉडल में 7 लेयर होती है ना, और ओके, TCP/IP में 5 लेयर, 4 या 5 जैसा काउंट, सब कहने अलग अलग है। 4 और 5 लेयर। हाँ, लेयर होती है। ओके, एंड OSI मॉडल में हमें टोटल 7 लेयर देखने को मिलता सेवन है। लेयर रहती है और कोई डिफरेंस? इसमें। कुछ लेयर जैसे एक साथ, जैसे OSI मॉडल के कुछ लेयर इसमें TCP/IP में दो दो एक ही लेयर सिंगल के बराबर उनमें काम करती है। हाँ राइट, जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन हाँ हमारा, इसमें ओनली एप्लीकेशन मान। ओके, एक ही के अंदर रहता है वो। तो ये तो वही इसीलिए तो यहाँ पर टोटल 7 लेयर ही होता है, उसी के प्रोसेस में हमारा होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज OSI आर TCP/IP मॉडल, राइट? सो दीज आर द मॉडल्स आर बोथ लाइक TCP आर OSI, बोथ मॉडल यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, आर बोथ मॉडल यूज फॉर, आर बोल सकते हैं यूज टू नो द डेटा फ्लो, है ना? यू कैन मॉनिटर, आर यू कैन से लाइक यू कैन एक्नॉलेज, आर यू कैन चेक डेटा फ्लो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? तो दोनों मॉडल का काम क्या होता है कि ये जो डेटा फ्लो होता है ना, या डेटा कम्युनिकेशन होता है, बात होती है इंटरनेट पर,
या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, एक नेटवर्किंग डिवाइस दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से डेटा फ्लो के प्रोसेस को समझने के लिए हम इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बट यहाँ पर दो मॉडल क्यों आया, एक हमारा OSI और एक TCP/IP? दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, टीसीपी बिल्कुल आईपी यूएस बेस है और ये ओएसआई मॉडल तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। तो US मीन्स अमेरिकन जो फोर्स के डिपार्टमेंट से ये चीज को डेवलप किया गया, राइट। और इसका एक बहुत अच्छा सा जो VPN वगैरह की टेक्नोलॉजी के साथ इन सारी चीजों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इसका एक सिनेरियो मिलेगा अलग अलग बुक्स में। बट TCP/IP मॉडल इज कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल मॉडल, राइट। ये क्या है कि इस मॉडल को प्रिपेयर करने में जो भी टीम थी, जितने भी मेंबर थे, उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को मैनेज करके फिर इस मॉडल के सभी लेयर के फंक्शन को समझाया। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, सारी लेयर्स इसमें भी वही आएंगी, 7 लेयर्स, बट कुछ लेयर मल्टीपल लेयर को मिलाकर इसमें एक लेयर बना दी गई है ना। और OSI मॉडल में 7 लेयर है तो वो 7 लेयर ही हर जगह आपको मिलेगा। बट TCP/IP मॉडल में जैसे इन्होंने बोला कि 4 या 5 दोनों बोल सकते हैं, हाँ दोनों बोल सकते हैं। ओके, मॉडर्न के अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि देयर आर 5 लेयर। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ 5 लेयर अकॉर्डिंग टू TCP/IP मॉडल वी कैन एक्नॉलेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, है ना। इट इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन प्रोसेस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दो लोगों के बीच में जो डेटा का लेन देन हो रहा है उसके फ्लो प्रोसेस को जानने के लिए ही ये सब मॉडल्स हैं। क्लियर है? और इसमें हम लोग समझते हैं कि हर एक लेयर का काम कैसा है। ऑलरेडी मैं इसके फंक्शन को दिखाया हूँ कि सेशन लेयर पर सेशन मेंटेनेंस, PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन लेयर, HTTP एप्लीकेशन लेयर, वेबसाइट एक्सेस करके सारी चीजें। बट हम लोग थोड़ा सा भी और एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे प्रैक्टिकली, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि OSI मॉडल की ही सारी लेयर्स इसमें कंबाइन होकर 4 और 5 लेयर में वर्क करते हैं। ओके, एंड बोथ मॉडल यूज्ड फॉर डेटा फ्लो प्रोसेस, दोनों मॉडल डेटा फ्लो प्रोसेस के लिए ही होते हैं कि व्हाट अबाउट डेटा फ्लो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर सभी को पता ही है कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर था ये क्या करता था, एक इंट्रोडक्शन कर देख लें कितना प्रीवियस वाला चैप्टर आप लोगों ने रिकॉल किया या पढ़ा, नोट्स वगैरह सब मांगा था मेरे से। एप्लीकेशन लेयर का डेटा मेन को बनाने में काम आता है। डेटा को बनाने में काम आता है। यूजर इंटरेक्ट करता एप्लीकेशन में। है ना, एप्लीकेशन इंटरेक्शन के लिए होता है, राइट। सो इंटरफेस पर्पस के लिए होता है, एंड प्रेजेंटेशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट प्रेजेंट डेटा डेटा एंड कोडिंग, कॉम्प्रेस एंड इनक्रिप्ट। इंक्रिप्शन एंड व्हाट इज सेशन लेयर? सेशन सेशन के लिए काम ऑथराइजेशन आती है ये। ऑथेंटिकेशन चेक करता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करो आप। है ना, सेशन लेयर मेंटेन सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड आल्सो इट्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सेशन एंड यू कैन मॉडिफाई सेशन। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन 5th or 5th layer व्हिच इज सेशन लेयर एज पर OSI मॉडल। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है ये।
फॉर ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज द पैकेट डेटा को सेगमेंट फॉर्मेट? में सर, सेगमेंट बताया सर है। सेगमेंट फॉर्मेट है डेटा का, ओके। एंड हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स वी कैन यूज और वी कैन एक्नॉलेज और वी कैन लर्न अंडर ट्रांसपोर्ट लेयर? एनी टू और थ्री प्रोटोकॉल, टीसीपी आई यू टीसीपी और टीसीपी यूडीपी और टीसीपी यूडीपी भी। है ना, हाँ यूडीपी, यूडीपी ओके। व्हाट इज नेटवर्क लेयर? राउटिंग हाउ द पैकेट ट्रांसफर बेस्ट रूट, हेलो ओके। बेस्ट रूट एंड डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स राइट। ट्रांसफर डेटा इन पैकेट फॉर्मेट, राइट? तो पैकेट इंफॉर्मेशन इधर होती है। तो कुछ मैं सिनेरियो ले रहा हूँ, इसको मैंने एक 1.5 घंटे 2 घंटे लगाया था पढ़ाने में, बट अभी मैं शॉर्ट जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, राइट? किसी की तरफ नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लें, ओके। सो व्हाट अबाउट डेटा लिंक लेयर? मैक चेकिंग, डेटा इज इन फ्रेम फॉर्मेट, राइट? तो फ्रेम एरर और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या होता है, चेक होता है, मैक चेकिंग वगैरह होता है, जहाँ पर मैक एड्रेस लॉग LLC वगैरह की चेकिंग होती है फॉर फिजिकल कंफर्मेशन, फिजिकल एड्रेस कंफर्मेशन, राइट? एंड लास्ट वन इज फिजिकल लेयर फॉर टेंजिबल थिंग्स मैनेजमेंट है ना, या मैनेजमेंट अबाउट टेंजिबल थिंग्स लाइक ईथरनेट केबल, डिवाइसेस, है ना? क्यों? फिजिकल इन्वायरमेंट, जो फिजिकल सिनेरियो है, डेटा है, क्लियर है? तो क्लियर ये हमारा इसके अकॉर्डिंग था। अब अगर ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आप अगर TCP/IP मॉडल में इसको कंबाइन कर देते हो, तो समझ लो कि वो एक लेयर इन सभी फंक्शन को करता है। क्लियर हुआ? अभी अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, राइट? तो मैं इसको थोड़ा सा डीप डाइव लेकर चलता हूँ। लाइक TCP/IP मॉडल इज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन विथ 4 लेयर आर 5 लेयर। मैं यहाँ पर एक और वर्ड मेंशन करूंगा, R5 लेयर्स, राइट? तो ये 4 लेयर या 5 लेयर के अकॉर्डिंग इसमें वर्क होता है। 4 लेयर है तो 4 के अंदर समझेंगे, 5 है तो 5 के अंदर समझेंगे। मॉडर्न अगर हम लोग देखें तो 5 लेयर का ही ज्यादा वो होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट बुक के अकॉर्डिंग इन दोनों मॉडल को प्रैक्टिकली समझा गया, तो उन सभी लेयर को लिख दिया गया। तो जो OSI मॉडल है, उसमें पहले थ्योरेटिकल प्रोसेस को समझा गया है ना, और एज पर थियरी सारी चीजों को एक्सप्लेन करके एक टीम ने बनाया। इसमें जो टीम ने काम किया, वो एज अ प्रैक्टिकल चीज को रखा, तो जैसा काम हुआ वैसे लिखा गया, राइट? फ्रेमवर्क इसका डिजाइन किया गया। सो यहाँ पर लिंक लेयर है, इंटरनेट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर है। तो ये 4 लेयर के अकॉर्डिंग ये है। अब इसमें भी देखो, लिंक लेयर का काम क्या होता है। अब लिंक लेयर या इन सबको मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में रखा हुआ है, इसी से आप जस्ट एक्नॉलेज कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये हमारा किस लेयर में आ जाता है? एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क, इंटरनेट लेयर है, डेटा लिंक और फिजिकल क्या है? लिंक लिंक लेयर है। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं लिंक लेयर। तो ये दोनों काम जो आप OSI मॉडल में समझे थे, ये दोनों कहां पर होता है? इसमें, लिंक लेयर में। लिंक लेयर मेंटेन LLC एंड मैक कम्युनिकेशन विथ टेंजिबल थिंग्स, ओके। एंड अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसमें 5 के अकॉर्डिंग है, तो 5 में क्या है? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क है,
और यहां पर क्या है, डेटा लिंक और फिजिकल। क्लियर है? यानी कि सिर्फ अबव थ्री लेयर्स को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन, बाकी सेम है एज पर ओएसआई मॉडल। तो अगर 4 के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो ये लेयर्स काउंट करेंगे, और 5 के अकॉर्डिंग देना है तो ये काउंट करेंगे, और ये दोनों 4 के अकॉर्डिंग एक साथ मर्ज हो जाते हैं, एक साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो दोनों पॉइंट को आप यहाँ पर एक साथ मैनेज कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर हुआ अभी? क्लियर एंड अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करें तो वो सबको पता है ना, HTTP, FTP और ये सारी चीजें हैं। तो इसको एक कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हो, आप सभी लोग एक टूल डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर, जो कि क्या है, वायर सार्क नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। इट्स अ फ्री, आगे मैं बढ़ाऊंगा CCNA में कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लैब के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एंड आई विल टेल ईच एंड एवरी थिंग लाइक हाउ टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। एंड ये CCNA में नहीं है, बट हम लोग सिक्योरिटी का पार्ट इसमें इंक्लूड किए हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट मॉनिटरिंग फंक्शन, ओके, फॉर एनी नेटवर्क। एंड वी विल डिस्कस हाउ टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क आफ्टर मॉनिटरिंग अबाउट सिक्योरिटी, राइट? तो काफ़ी अच्छे से हम लोग उसको कवर और सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास एक लैब है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरनेट पर अगर ये यूज़र आता है और कुछ एक्सेस करता है, और ये अगर यहाँ पर सर्च करता है sqlive.com, तो अगर sqlive.com ये सर्च करता है और इंटरनेट पर ये sqlive.com डोमेन अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, उस पेज को यहाँ पर या उस सर्वर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेस करके दे देगा। तो जब कोई भी एंड यूजर, ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि पूरा मॉडल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर जिन्होंने अच्छे से उसको रिकॉल करके पढ़ा होगा वही यहाँ पर आज के सेशन को थोड़ा सा आंसर कर पाएंगे, और जो चीज़ पढ़ाई गई है उसके बारे में मैं क्वेरी ही कर सकता हूँ, राइट? कि देखें कितना इन्वॉल्व आप लोग होते हो किसी भी सेशन को लेकर। तो अगर एक एंड यूजर ने कोई, देखो, ड्रॉप कर दिया, किसी ने मीटिंग को छोड़ दिया, भाग गया, यहाँ पर हमारे पास है sqlive.com। अगर sqlive.com क्वेरी एंड यूजर से होता है तो विच मैसेज जनरेटेड बाय यूजर, कौन सा मैसेज इधर जनरेट किया गया होगा यूजर द्वारा, विच मैसेज इज जनरेटेड बाय यूजर। क्या यहाँ पर जनरेट हुआ, अगर मैं sqlive.com इधर एक्सेस करता हूं तो कौन सा मैसेज जनरेट होगा, ये फिजिकल लेयर पर मैं काम कर रहा हूँ या एप्लीकेशन लेयर, या किस लेयर पर, फिजिकल एप्लीकेशन लेयर लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर, राइट? आंसर तो सही है। तो यहाँ पर अगर मैं sqlive.com एक्सेस करूंगा तो क्या मैसेज हो सकता है, पहला हमारा क्या पैकेट जनरेट हो सकता है, टीसीपी है, टीसीपी होगा ना, HTTP, पासवर्ड कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP। अब देखो, थोड़ा सा डेप्थ पार्ट में चलता हूँ, इंटरव्यू के सिनेरियो से लेकर। जब कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, अगर वो अच्छे से हम पढ़ते हैं तो हम इंटरव्यू में उसी, जो चीज पढ़ाई जाती है ना वही चीज पूछी जाती है। TCP सभी ने आंसर किया, ठीक है। TCP का काम क्या होता है सबको पता है? सर HTTP हाँ, एक और आंसर मिला, ये मुझे कुछ सही लग रहा है, HTTP, ठीक है। तो ठीक है, दो सभी चीज को हम लोग देखो पढ़ चुके हैं चीजों को, तो मैं क्या यहाँ पर डायरेक्टली HTTPS आंसर ना करके थोड़ा सा इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि क्या काम किस चीज का क्या होता है, और आप आंसर देते हुए कैसे अपने आंसर को एक्नॉलेज कर सकते हो, राइट? आप HR के सामने अगर इंटरव्यू दे रहे हो अच्छे लेवल पर, CCNP लेवल पर, आप CCNA लेवल पर, या इन सारी चीजों पर, तो ऐसे बच्चों जैसे बार बार आंसर तो नहीं करेंगे ना कि शायद ऐसा, शायद ऐसा, क्यों? यस
तो थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा आंसर भी होना चाहिए, या आप अपने आंसर को तोल मोल सको। मैं उस लेवल पर कुछ बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, बाकी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके बारे में सबको पता है ये क्या करता है या ये क्या है? यस सर, ये डेटा को ट्रांसमिट करता ट्रांसमीट करता है, ठीक है? है। अगर ऐसा हम लोग लिख दिए, ठीक है, ट्रांसमीट करता है। तो जब यूजर ने www.sqlite.com किया तो हमारा डायरेक्टली TCP ट्रांसमिट होगा। मैसेज क्या हमने पहले क्वेरी है sqlite.com, फिर sqlite.com क्या है? एक डोमेन नेम है। और ये जो एक्सेस हो रहा है ये किस बेस पर हो रहा है? HTTP HTTP एप्लीकेशन, दिस इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड यूजर। तो ये हमारा एप्लीकेशन है और ये हमारा TCP है। तो मैसेज तो तब जाएगा TCP का जब हमारा ये चीज और ये चीज पास होगा। नहीं समझे आप? एक और बोलता हूँ, ये चीज को समझाओ ना आप, यानी कैसे, जैसे कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, प्रोसेस क्या है उसका बैकएंड मैं में। एक्सेस, हाँ, इसको समझने की कोशिश करना। अब समझ में आया होगा कि मैंने OSI के साथ इसको क्यों नहीं पढ़ाया। सब कुछ पढ़ाने के बाद इसमें मैं क्यों आया, क्योंकि काफी नॉलेज के साथ आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे काम करो sqlite.com दिखाओ, तो देखो यहाँ पर क्या मैसेज आया। मैसेज टाइप यस DNS, क्योंकि डीएनएस sqlite.com तो एक नेम है। उस मशीन को पिंग करने के आईपी लिए हमें क्या एड्रेस, करना पड़ेगा? आईपी एड्रेस IP। तो पहला एक मैसेज जनरेट होगा हमारे एंड यूजर पर जो बोलेगा कि जाओ पता करो sqlite.com है क्या। इंटरनेट पर ये मैसेज जाएगा, सबसे पूछेगा, सर्विस प्रोवाइडर और अपने नेबर राउटर, इन सारी चीजों से पता चलेगा। उसका बताएगा कि sqlite.com 192 मीन्स 192 168 100.250 है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अब ये जो SQLite, ये देखो ये मैसेज यहाँ पर जनरेट हुआ। अब इसमें देखो ये DNS मैसेज ऑटोमेटिक हाईलाइट क्या हो रहा है। मैं अगर इस मैसेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट क्या है? डीएनएस लिया सर। DNS हाईलाइट है। बाकी जो हमने मैसेज जनरेट किया वो किस बेस पर है? UDP स्ट्रीमिंग पर्पस इस्तेमाल होता है, जहां पर मैंने दो चीज बता रखा है इससे पहले। TCP एंड UDP में क्या डिफरेंस है? टीसीपी टीसीपी देखो मैं एक चीज और बताता सर हूँ। एक नॉलेज देता, टीसीपी आपका एक नॉलेज देता है सर, बिल्कुल, और UDP एक नॉलेज नहीं देता है सर, नहीं 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 देता, देता। तो जो और सर भी रिलायबल कम्युनिकेशन देता है टीसीपी, अनरिलायबल कम्युनिकेशन देता है यूडीपी सर। तो दो चीज समझना, जो लोग बिगनर लेवल पे हैं आज थोड़ा एडवांस में पढ़ के जाओ जाते जाते, ठीक है? तो UDP सोर्स पोर्ट जो है वो 1028 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 53 है। क्या ये मैसेज या ये जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है ये एक्नॉलेजेबल है या अननोन है? एक्नॉलेजेबल है कैसे, किसने कहा एक्नॉलेजेबल? मीन्स एक अननोन मैसेज है ना, क्योंकि हमने हमको सबको पता है कि अच्छा, पोर्ट, सॉरी सॉरी सर, इसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो पोर्ट नंबर 80443 होता है बाय डिफॉल्ट, है ना? और प्रोटोकॉल होता है TCP। तो हमारे एक मैसेज जनरेट हुआ और वो मैसेज अभी क्या है, UDP का, जिसमें सोर्स पोर्ट 1028 है और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, 53। क्लियर हुआ? तो 53 के पास ये गया। एक्नॉलेज तब मिलता है जब TCP का मैसेज अगर यहाँ पर आ जाता तो वो एक्नॉलेज हो जाता और TCP की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती जिसमें पोर्ट नंबर 80 का होता, फाइनल मैसेज का जो एक्नॉलेज्ड है। आपको जैसे आपको पता है तब मैं ये चीज बता रहा हूँ। आपको पता है ना वेबसाइट एक्सेस होता है 80 नंबर या 443 पर रन होता है?
पोर्ट नंबर, और HTTP है और TCP एप्लीकेशन है, सॉरी TCP प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, सोर्स इंफॉर्मेशन और डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है दोनों मशीन का, ये सब शायद हमारे इस मैसेज में पहले कभी कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, तो मैक एड्रेस भी यहाँ पर नोन दिखा रहा है। ठीक है, चलो अगले आगे मैसेज हम भेजते हैं, देखते हैं आगे का। ये मैसेज DNS का है, तो सोचो कि जब हम किसी नई वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं, वाइल एक्सेसिंग एनी न्यू वेबसाइट ऑन एनी न्यू मशीन, देन व्हाट इज द बैकएंड प्रोसेस बिटवीन दैट पर्टिकुलर मशीन एंड डेस्टिनेशन सर्वर। अभी क्लियर हुआ? अगर बिल्कुल नई मशीन है तो पहले आपके नेटवर्क ISP सबको वो DNS वो सब क्वेरी होती है, जब उसका कंफर्मेशन होता है तब हमारा एक जो यूजर क्वेरी होती है वो कंफर्मेशन होता है ना। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये मैसेज आगे गया, DNS ये भी है। अब DNS क्यों जा रहा है? क्योंकि DNS IP2 नेम, नेम टू IP पता करा कि भाई SQLite.com है कहाँ पर, है ना, ये नाम कहाँ पर है, तो जो नेटवर्क है उसी में तो ढूंढेगा, सर तो इधर आया। अब देखो यहाँ पर क्या आया, बाय डिफॉल्ट ईथरनेट, अब ये फास्ट ईथरनेट 0/3 की इंफॉर्मेशन है। ओके, रिसीव द फ्रेम फ्रॉम फास्ट ईथरनेट 0/3, इसी से तो रिसीव हुआ है फ्रेम, जो हमारा स्विच होता है ये किस लेयर मतलब किस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करता है, और फ्रेम। और ये इसमें लेयर हम टू में हमारा एक मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर है। तो अब एंड सोर्स हमारा यूजर है और डेस्टिनेशन हमारा सर्वर है। अब आगे हम लोग चलते हैं इस मैसेज को लेकर, अभी भी DNS है। तो DNS अब यहाँ पर क्या दिखाएगा, UDP 53, DNS का पोर्ट नंबर 53 होता है, ध्यान देना। यस सर, डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम मैसेज एक्नॉलेज के लिए, मीन्स एक मैसेज यहाँ पर आया और इसको पता चला कि हाँ DNS जो है, देखो सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल्स है, और जैसे ही DNS हमारा इसको कंप्लीट किया यहाँ पर एक मैसेज नया जनरेट हो गया, अब TCP मैसेज जाएगा। तो जब ब्लाइंड मैसेज होता है किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी डोमेन नेम से किसी एंड यूजर द्वारा, तो वहां पर सबसे पहले क्या जनरेट होगा, एप्लीकेशन लेयर DNS। क्लियर हुआ? और जब आपका DNS नेम IP कंफर्म हो जाएगा तो यहां पर क्या जनरेट होगा, यूजर द्वारा एक TCP मैसेज जहां से डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा। अब डेटा आएगा, अभी तक हमारे कंप्यूटर पर डेटा नहीं आया है कि नहीं, तो अब डेटा की बारी आई। तो डेटा को कैरी करने के लिए TCP है, TCP की इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन है, अब देखो यहाँ पर बदल गया सारा इंफॉर्मेशन। यस सर, HTTP HTTP 80 लेयर 7 अभी कंफर्म नहीं किया कि यहाँ पर हमारा HTTP है या HTTPS है, तो यहाँ पर एक ब्लैंक मैसेज है या ब्लैंक स्पेस है। तो कैसे पता चलेगा ये यहाँ पर लेयर 7 कब एक्नॉलेज होगा, जब हमारा ट्रांजेक्शन इस सर्वर के साथ होगा मैसेज का। समझ में आया? DNS तो ये बताएगा नहीं कि ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है विद SSL सर्टिफिकेट, एम आई राइट? यस यस सर, ओके, तो जब ये नहीं बताएगा तो हम TCP सोर्स पोर्ट 10.0.28 जो कि क्लाइंट है, user 1 और पोर्ट नंबर 80 पर है, सोर्स और डेस्टिनेशन की IP सारी चीजें हैं। आगे मैं जब इस मैसेज को लेकर चला तो अगेन TCP है, TCP है, अभी भी रिटर्न हमारा क्या आएगा, TCP। आप क्या बताइए आएगा अगला मैसेज क्या जनरेट होगा, जिनको सब समझ में आ गया वो आंसर कर देंगे तुरंत। मैसेज लेकर आ रहा है इंफॉर्मेशन TCP का, अब ये भी बता देगा कि ये एप्लीकेशन लेयर का क्या यूज कर रहा है, कौन सी प्रोटोकॉल, कौन सी एप्लीकेशन।
क्या इस्तेमाल हुआ? HTTP सर। HTTP। HTTP क्यों हुआ? क्योंकि पोर्ट नंबर 80 था। 80 था। तो डेटा जाते समय ही अगर इसको पता है कि पोर्ट नंबर 80 है, अगर हमारा यहाँ पर कोई सिक्योर वेबसाइट SSL सर्टिफाइड होता तो यहाँ पर पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 443 आता है ना, HTTPS HTTPS। तो ये भी चीज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस मैंने जस्ट समझाया। मैं एक बार फिर से HTTP की जगह अगर हमारा सिक्योर इनेबल है तो अभी मैं दिखाता हूँ। https://sqlite.com/access। देखो DNS फिर से आया। अब प्रोसेस एक बार मैं फिर से कराता हूँ, अभी कोई मैसेज नहीं आया। ADNS एक्नॉलेज करेगा, TCP, क्या आया? TCP के मैसेज में क्या था? पोर्ट नंबर 443। 43 समझ में आया? सर। वो DNS इसलिए देगा क्योंकि सर वो डोमेन है ना सर, वो sqlite.com, इसलिए तो DNS देगा। हाँ, DNS तो पहले जाएगा ही जाएगा क्योंकि मैं नेम से क्वेरी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा HTTPS है जो कि अगर 443 पर है। अगर डायरेक्ट आईपी डालेंगे तो ये DNS को नहीं लेगा, डायरेक्ट टीसीपी आईपी चालू हो हाँ, जाएगा। ये एक अच्छा वो है। डायरेक्टली एक हमारा क्या आएगा मैसेज? ट्राई करते ना एक बार तो इसको भी। हाँ बिल्कुल। तो हमारा DNS क्वेरी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 192.168.100.250 यही है। यस, जैसे मैंने गो किया क्या आया? टीसीपी क्लियर है, क्योंकि हमारा अब डायरेक्टली पता है कि भाई कौन सा मैसेज है ना। DNS का कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली इसी पर हिट करेगा। तो दो चीजें हैं, आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। डायरेक्टली TCP इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहा है इन्फॉर्मेशन। अब हमारा अगला मैसेज क्या आएगा यहाँ पर? HTTP। HTTP अब तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आ गया, ये अभी नहीं समझेंगे। DTP यस सर, वो आ तो गया। अब ये रिजॉल्व नहीं कर रहा है इसका मैसेज, कह रहा है कि भाई स्पैनिंग ट्री में घूमो और DTP में घूमो, ये रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये जिन लोगों को DNS सर्वर के बारे में आइडिया होगा वो इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कन्फिगर करके। एम आई राइट? यस सर। तो ये आपका आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आपको करना है तो इस सर्वर पर हमें क्या करना होगा, मीन्स इस मशीन पर हमें इस सर्वर की आईपी एज ए DNS में वो दे देना होगा ऐड करना होगा, और इसमें DNS की एंट्री करनी होगी नेम टू आईपी, आईपी टू नेम के लिए, और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। ये तो DNS के पार्ट को पढ़ने पर ही समझ में आएगा। सो दीज आर द पॉइंट अबाउट TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर ब्रीफ करने वाले हैं, विच इज सर। आईपी एड्रेस एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस। सर आईपी एड्रेस इट इज अ लॉजिकल एड्रेस। इट इज यूज टू इट इज अ लॉजिकल यूज टू आइडेंटिफाई एनी डिवाइस इन अ नेटवर्क, इन अ क्लियर नेटवर्क इटसेल्फ। ओके, सो आईपी क्या है? यूनिक इंटरनेट आईडी। प्रोटोकॉल है। यस हाँ, NS लुकअप करके हम DNS को चेक कर सकते हैं, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी। ओके, आते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? इट्स अ लॉजिकल एड्रेस सर, यस यूनिक आईडी।
यूनिक एड्रेस फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उसके लिए क्या है, एक यूनिक एड्रेस है, क्लियर है? एंड इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, एंड इट मे बी इन डेसिमल फॉर्मेट आर हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। सर डेसिमल तो ये IP version 4 रहता है, हेक्सा डेसिमल IP version 6 रहता है। तो ये हमारा डेसिमल या हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है? डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, 0 to 9 के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, एक डेसिमल फॉर्मेट है, क्लियर है? और हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 0 to 9 एंड ए डी टू टू ई एफ, ई किसने बोला, ई ही होता है, एफ नहीं होता? ए का मतलब क्या होता है? हेलो, 1 का मतलब 10, 10, अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। और बी का मतलब, 11, और सी का मतलब, 12, डी 13, और ई 14, तो 15 तक होता है ना वैल्यू, जो फैक्ट्री का गार्ड जीरो अपनी टू लाइफ फिफ्टीन में दिन के मुकाबले अभी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगा, ए टू तो जो एफ कुर्सी एफ जगह एंड जीरो टू पर ये बैठ कर नाइन काम किया कर रहा था नाइन विनोद, वो गार्ड रात को किसी काम से आता। ईच हेक्सा वैल्यू कंटेंट कितने बिट का एड्रेस होता है हर हेक्सा वैल्यू में? सर 8 बिट्स। ये कहाँ पढ़ा था, कितने बिट का एड्रेस होता है? 16 बिट। सिक्सटीन सिक्सटीन सिक्सटीन। ओ माय गॉड, उन्होंने देखा कि नो विनोद बिट, अभी ऐसे था, कैसे आंसर मैंने तेरे कर निकाह पाए खोला थे? था कि तुम किस तरह। 4 बिट्स एड्रेस होता है ना। मैंने लास्ट एक वर्ड बोला था, मुझे सब पता है मैंने किस बैच को पढ़ाते हुए क्या बोला था। मैंने आपको जो मैक एड्रेस पढ़ाया था तो एक वर्ड बोला था कि ये 12 डिजिट का है, एवरी डिजिट कंसिस्ट 4 बिट्स एड्रेस, सीख दैट्स वाई फोर लेते सॉरी 12 into 4 इज इक्वल टू हैं 48 बिट्स एड्रेस, लेकिन राइट? अभी याद आया, और मैंने बोला भी था कि ये नंबर याद रखना, ये कहीं भी पूछा जाता है जब आप आईपी नेटवर्क लेवल पे हायर लेवल का इंटरव्यू देंगे, एग्जाम वगैरह में भी ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, ईच हेक्सा वैल्यू कंसिस्ट आर कंटेंट 4 बिट एड्रेस कंटेंट्स, लिख दो, प्रॉपर ग्रामर भी कुछ होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 4 बिट्स का एड्रेस हर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में मिलता है, और देयर इज लिखे हैं, और देयर आर टू वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है? जिसमें से पहला हमारा क्या आ जाएगा, IP version 4। वर्जन 4 एंड आईपी IP version 6। वर्जन 6। सिक्स ओके, तो जो भी हमारा IP version 4 है या IP version 6 है, IP version 4 के पॉइंट को अगर हमें लिखना हो तो क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बहुत ही इजी चैप्टर है बिगनर लेवल पे। तो IP version 4 हैज 32 बिट एड्रेस। क्लास फुल एड्रेस,
एंड क्लासफुल मीन्स देर इज नो अनलिमिटेड नंबर्स, ओके, देर आर लिमिटेड नंबर्स. यहाँ पर क्या है, लिमिटेड नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है. एक नंबर के बाद आईपी हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. दूसरा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फाइव क्लासेस यहाँ पर हैं, CLA, टोटल फाइव क्लासेस यहाँ पर हमें मिलते हैं. ए क्लास, बी क्लास, सी एंड ई, ओके. और ये फोर बिट्स, या बोल सकते हैं कि फोर ब्लॉक्स एड्रेस है, एंड एट बिट्स पर ब्लॉक. हर ब्लॉक में कितने बिट का एड्रेस एड्रेस होता है, 8 बिट का. एट कितने, बिट्स ओके, कितने टोटल ब्लॉक हैं, फोर. फोर कितना बिट है टोटल, एट 8. तो कितने बिट का एड्रेस है, 32. थर्टी टू बिट्स का एड्रेस ये होता है, ओके. एंड डेसिमल फॉर्मेट होता है, एंड डॉट डॉट से सर ये होता है, डॉट हमारा क्या होता है, एक तरीके का इसका कॉलन होता है सर पहचानने का. डॉट फॉर्मेट में ये लिखा जाता है, राइट, या डॉट नोटेशन होता है इसका, जिसमें ये चीज लिखी जाती है. जैसे 192.168.100.250 अभी सर्वर की आईपी आपने देखा था. सो ये एक एग्जांपल है, ओके. जो फाइव क्लासेस हैं, बस इतना अभी हम लोग रखें, आगे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो. जी सर, एचआर सर कभी कभी क्लासेस का नंबर भी पूछ लेता है ए टू ई तक. मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर आप इसको रखो. जितना यूज करना मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी. आईपी वर्जन 6 में हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्लासलेस मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन, देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स इन आईपी वर्जन 6, ओके. एंड नो क्लास, कोई क्लास नहीं होता. 8 ब्लॉक एड्रेस होता है, एंड 16 डिजिट्स ना 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 16 बिट्स पर ब्लॉक एड्रेस होता है. तो यहाँ पर 8 इंटू 16 करें तो कितना आएगा, 128 बिट्स एड्रेस ही होता है. 64 कैसे हो जाएगा, ओके. तो ये हमारा क्या होता है, 128 बिट्स का एड्रेस होता है. और एक तरीके का यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड नंबर्स, ये जरूर इसमें आप ऐड करें. या ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बोला अनलिमिटेड आईपीज, आप इधर क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो. एंड इट इज इन हेक्साडेसिमल वैल्यू, क्लियर है, इसमें होता है. बट हमें एज पर बिगनर लेवल एज ए नेटवर्क इंजीनियर भी हमें आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल 110% करना, आईपी वर्जन 6 नॉट इन यूज. आप अभी लिखोगे, यूज करोगे, बट आईपी वर्जन 4 जो है, इसमें जो क्लास है ना, जो क्लासेस हैं, नॉट अबाउट क्लास, क्लास जो है ए, इसमें हम लोग दो चीज लिख सकते हैं. जैसे एक रेंज, या सिंपल हम लोग इधर लिख सकते हैं क्लास, वन मिनट, क्लास एंड रेंज, ओके. तो पहला क्लास हमारा क्या है, ए क्लास, यस सर, और इसका रेंज क्या होता है, 0 to 127. बट हम लोग दोनों डिसेबल वैल्यू को हटाएं और 1 से लेकर 126 लिख सकते हैं. एक हमारे पास बी क्लास है, और जिसका रेंज हमारा क्या है, 128 to 191. ऐसे ही सी क्लास है, जिसमें 192 से लेकर 223. 23.
ऐसे ही डी क्लास है 224 फिर 239 239, ई क्लास है 240 240 255 से 255। ओके, 255 ये वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या कोई टेस्ट कर रहा है क्या? हेलो हेलो, ओके म्यूट करके रखो। हेलो हाँ जी सर, 127 जो है वो हमारे पर्सनल पीसी के लिए रिजर्व होता है ना सर? मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है? म्यूट रखिए। जिस चीज के बारे में अभी बात ही नहीं किया उसके बारे में क्वेश्चन नहीं। तो हमारे पास पांच क्लासेस ए बी सी डी और ई ऐसा है, और इन सभी क्लासेस को अगर हम लोग देखें तो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये हम लोग एक बोल सकते हैं कि यूज्ड में है, और ये सब हम लोग अपने लिए क्या बोल सकते हैं, नॉट इन यूज्ड, ये हमारे मीडिया और अदर चीजों के लिए रिजर्व है। तो हम लोग जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल करेंगे वो तीन क्लास। अब देखो फिल्टर करते करते हमारे पास कितने चीजों के बारे में बस पढ़ना है, तीन क्लास, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास की आईपी, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर एक ये पूरा बना दे रहा है, अगर हम लोग ए क्लास की बात करें तो जो ए क्लास है इसमें हम लोगों का जो नंबर होगा ना एड्रेस देने का, जैसे मैं दिखाता हूँ ncpa.cpl से मैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो ईथरनेट है वो है ईथरनेट ये, और अगर मैंने यहाँ से आईपी वर्जन 4 को सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी ओपन किया तो यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक दिखा रहा है, कितने फोर ब्लॉक, ब्लॉक 4 फोर ब्लॉक। ब्लॉक एक मिनट, ये मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, यहाँ पर टोटल 4 ब्लॉक दिखा रहा है। आप इधर देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन है, वन इज ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएसईपी सर्वर आर ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मीन्स क्या होता है कि एड्रेस हमारे पीसी को कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम डीएसईपी सर्वर, सो देयर इज नो ह्यूमन टास्क। ओके, मैन्युअली आपको या इंजीनियर को करने की जरूरत नहीं, एक मशीन है जो कि आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर्स को या नेटवर्किंग डिवाइसेस को प्रोवाइड करेगा। आपको सभी कंप्यूटर पर बस ऑप्टेन एड्रेस पर टिक कर देना है या सेलेक्ट कर देना, और बाय डिफॉल्ट यही होता है। सेकेंड थिंग, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पर ह्यूमन टास्क होगा या इंजीनियर एक्टिविटी होगा, यहाँ पर जो भी इंजीनियर होगा वो आईपी एड्रेस देगा अपने कंप्यूटर पर या अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस पर एज पर नेटवर्क डिटेल। हर एक कंपनी का, हर एक इंफ्रा का नेटवर्क क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? है ना? दूसरा चीज, यहाँ पर हमारे पास आईपी अगर मैं देता हूँ तो हमें बाय डिफॉल्ट विदाउट सबनेटिंग अगर हो तो फर्स्ट ब्लॉक अगर हमें एड्रेस याद है, यानी कि अभी मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दिखाया वो क्या दिखाया आपको, ये वैल्यू, इसमें मैंने क्या बताया कि हमारा जो ए क्लास है वो 1 से लेके 126 बिट का, सॉरी 126 के रेंज का होता है। अगर पहले ब्लॉक में हमारा 1 से लेके 126 का एड्रेस है तो ये किस क्लास का आईपी है, ए क्लास का। मैं एक नंबर लिखता हूँ 120.0.0.250, ये किस क्लास का आईपी है? अनम्यूट नहीं कर पा रहे, क्लास क्लास ए है, क्लास हमें ये पता करना है ओनली, ठीक है?
तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 20.0.0.10, तो किस क्लास का है? क्लास एक क्लास का। ए क्लास का। अब हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि ए क्लास या जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, क्लास एंड सबनेट मास्क, इसमें दो वैल्यू आती है। एक यहाँ पर क्या दिया, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या होता है, अगर मैं इसको बताऊँ, म्यूट कर लो सभी लोग। सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क अलाउ यू टू आइडेंटिफाई नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, क्योंकि जो ये एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, टोटल 32 बिट्स का। इस 32 बिट्स के एड्रेस में कुछ नेटवर्क आईडी होता है और कुछ होस्ट आईडी होता है। तो ए क्लास में जो फर्स्ट ब्लॉक में एड्रेस होगा ये क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा। ए क्लास की अगर मैं बात नेटवर्क करूं तो ए क्लास में नेटवर्क कितना होगा, यहां पर मैं एक ऐसे ब्लॉक बनाता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मैं चार ब्लॉक बनाता हूं, इसमें एक नेटवर्क होगा और बाकी सब क्या होंगे, होंगे। होस्ट होंगे। तो जो नेटवर्क होगा वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 255, और बाकी जहां पर होस्ट होंगे वो क्या हो जीरो जाएगा, जीरो 0। तो सबनेट मास्क ए क्लास का क्या आएगा, 255000। ओके, बी क्लास की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क आईडी कितना होता है इसमें, इसमें दो होते हैं सर। तो अगर मैं यहां पर जिनकी तरफ बैकग्राउंड नॉइज है ना वो म्यूट ना कर, अनम्यूट कर लो भाई। तो यहां पर हमारा एक हो गया, 1 2 दो ब्लॉक, तो ये हमारा क्या होगा, 255, ये भी इसमें टू क्या डबल होगा, टू टू डबल डबल फाइव फाइव और इधर जीरो, जीरो जीरो होस्ट जीरो 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 0 0, क्योंकि होस्ट की आईपी कुछ भी हो सकती है बट नेटवर्क फिक्स है ना। यस सर। ये हो गया। एंड सी क्लास, एन इज इक्वल टू 24, तो इसका जो डिफॉल्ट मास्क आएगा वो क्या आएगा, 255255255.0 तीन ब्लॉक नेटवर्क में होता है तो 255, 255 और 255 जीरो। 0। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर कहां पर ऐड हो रहे हैं, ए में ए ए में। क्लास के आईपी में सी इधर में हमारा सबसे ज्यादा कंप्यूटर किधर ऐड हो रहे हैं, सी में। सी क्लास नहीं सर, ए क्लास होस्ट इधर ज्यादा है ना, तीन ए में ब्लॉक होस्ट है ना। मींस 24 बिट्स आपका किस लिए हो रहा है, होस्ट के लिए, और यहाँ पर 16 बिट्स होस्ट के लिए, और यहाँ पर 8 बिट होस्ट के लिए। तो यहाँ पर नेटवर्क कितने होस्ट आएंगे, 56 बट इस्तेमाल कितने होते हैं, 254, तो 254 ही बोले, दो तो माइनस हो जाते हैं, एक नेटवर्क आईडी के लिए और एक होस्ट ब्रॉडकास्ट टाइम के लिए। होस्ट आईडी के लिए क्यों माइनस होगा भाई, होस्ट आईडी के ही सर तो कैलकुलेट करते ब्रॉडकास्ट। वो तो हमारा 16 इधर नेटवर्क नेटवर्क और 16 होस्ट है, तो इधर कितना आएगा, 65,534 पर नेटवर्क, और यहाँ पर क्या आएगा, 16.5 मिलियन आर 1,67,77,214 पर नेटवर्क। तो सबसे ज्यादा पीसी किधर आ रहे हैं, एक पर नेटवर्क इधर। अब यहां पर एक वैल्यू है जो कि यहां पर मिसिंग लग रहा है, राइट, और ये वैल्यू है क्या, 27 वन 127 ट्वेंटी सेवन सो 127.0.0.1 इज लूप बैक एड्रेस, इट इज अ लूप बैक एड्रेस फॉर सेल्फ टेस्टिंग है ना, और फॉर लोकल होस्ट, यानी कि हमारे कंप्यूटर पर
जो कार्ड है उस पर एक बाय डिफॉल्ट प्री असाइन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, ये बदला नहीं जा सकता। ये आपका, जब तक आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लाइव है तब तक ये आपके लोकल कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एड्रेस है। आप अपने कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो तो भी अगर इस आईपी से आप पिंग लोगे तो रिप्लाई आएगा, है ना। इंटरनेट से मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि आपका लैन पोर्ट या आपके कंप्यूटर से एक कनेक्शन केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू दूसरी डिवाइस पर कनेक्ट हुआ है, तभी तो आप उससे रिप्लाई ले पाते हो। अगर मैं अपने लैपटॉप को गूगल सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं लैन केबल का इस्तेमाल करके उसी के ऑफिस में ले जाके, तो क्या मुझे आईएसपी की जरूरत पड़ेगी एयरटेल बीएसएनएल को उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए? नो तो वही मैं कह रहा हूं कि हमारा जो लोकल लूप एड्रेस है, लूप बैक एड्रेस है, हमारे कंप्यूटर पर ही असाइन है, तो क्या हमें इसको एक्सेस करने के लिए किसी इंटरनेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी किसी ऐसा? हम तो इसको कभी भी नहीं एक्सेस। सर, नहीं सर, नहीं सर। सो यू कैन एक्सेस योर लोकल होस्ट विद द हेल्प ऑफ लोकल लूप आईपी व्हिच इज 127.0.0.1 से 127.0.0.255.255.255, राइट। ये एड्रेस होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर इससे तो ये भी पता चल सकता है ना कि सर है ना इसी कार्ड फॉल्टी है नहीं फॉल्टी। पल्टी मतलब अगर जो कार्ड लगा हुआ था ना एक्स्ट्रा पीसी एक्टिव, में हाँ खराब है एक्टिव, कि अच्छा हाँ है। हाँ हाँ ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर इससे रिप्लाई नहीं आ रहा है मतलब आपके सिस्टम पर कुछ कार्ड जो है डिटेक्ट वो नहीं आ रहा। डिटेक्ट नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है या डिसेबल हो चुका है कोई रीजन होगा, राइट राइट। तो ये है, तो अगर कभी आपके नेटवर्क या लैन केबल लगा रहे हो आप बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लाइट नहीं ब्लिंक हो रही है, तो एक बार इसे रिप्लाई लेकर देख लो। अगर एड्रेस रिप्लाई कर रहा है तो आपका कार्ड लाइव है, अगर नहीं रिप्लाई कर रहा है तो मतलब आपका कार्ड डेड है, या तो फिर डिसेबल है या तो फिर सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, राइट। मीन्स वो उस समय डेड है या लाइव नहीं है, क्लियर क्लियर है सबको? ये सबनेट मास्क यस जो सर, है, आप जो सबनेट मास्क के ऊपर बताए कि किस में यानी कैसे उसको एक क्लास में कैसे नीचे लिखा जाता है, यानी कैसे नंबर आता है बी सी में, लेकिन एक क्लास में भी मैं देखा 255.255.255.254। सब, हाँ वो सबनेट मास्क नहीं बोलते बोलते हैं उसको, सबनेटेड आईडी बोलते हैं, वीएलएसएम वैल्यू बोलते हैं, अच्छा ठीक है, सीआईडीआर मैं वैल्यू बोलते हैं, एक क्लास राइट। के आईपी भी मैं देखो आईएसपी डालता है वो। हाँ आईएसपी बिल्कुल यूज करता है ना। हम लोग भी उसको यूज करेंगे सीसीएनए में, उसको मैं पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, दो दो दिन लगभग में लग जाएगा उसको समझाने में, तो पढ़ेंगे हम लोग। बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, वो वैल्यू होता है जैसे ए क्लास का ही नंबर 10.0 10.1.1. मान लिया कि मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और इसका सबनेट मास्क आप देखेंगे 255.255.255.255 या 248 या 0 या कुछ भी ऐसे कर देंगे, राइट। तो वहां पर ये वैल्यू इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है, 4 ब्लॉक लिखने के बाद 8 लिखा तो मतलब यहाँ पर आपका जो सबनेट मास्क बनेगा वो 0 बाय डिफॉल्ट बनेगा। अगर यहाँ पर एड्रेस ए क्लास का है और यहाँ पर 9 लिख दिया है तो मतलब हमारा ये एड्रेस फिर यहाँ पर आईपी को, ये किसी क्लास की फिर आईपी नहीं है, दिस इज द सबनेटेड आईपी, राइट। अच्छा, आईपी के अंदर भी दो आईपी होती है, एक नहीं नॉर्मल नहीं आईपी। ऐसा नहीं बोलेंगे, नॉर्मल और सबनेटेड नहीं बोलेंगे, है ना। सिंपल आईपी अभी जितना आपने समझा, दिस इज द आईपी फॉर्मेट, एंड सबनेटेड का मतलब होता है कि हम उस आईपी को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, है ना। सबनेटिंग वैल्यू इज अ प्रोसेस टू कैलकुलेट मल्टीपल नेटवर्क आईडी फ्रॉम सिंगल नेटवर्क आईडी, राइट। जैसे सी क्लास में टोटल कितने होस्ट होते हैं? 256 मान लिया इतना, ठीक है टोटल। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप शायद आईएसपी में काम भी किए हो, शायद इस लेवल पर ना हुआ, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास कस्टमर आता है कंपनी का और वो बोलता है कि हमारे पास, हमको आई थिंक 6 आईपी चाहिए, समझ रहे हो आप, सिर्फ फिर आईपी चाहिए उसको। 6 आईपी चाहिए जो वैन लेवल पर या पब्लिक आईपी हो,
तो आप क्या करोगे, अपना ये रेंज उठा कर दे दोगे? वहां पे चेक करेंगे ना फ्री आईपी कौन सी है इस टाइप में, तो नहीं, वो हिसाब से फ्री आगे। आईपी नहीं हम चेक करेंगे, फ्री आईपी तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास उसका कोई सबनेट है कि नहीं है, है ना। आईएसपी विल नॉट गोइंग टू असाइन द कंप्लीट नेटवर्क आईडी आर टू प्रोवाइड कंप्लीट नेटवर्क आईडी फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी। आईएसपी प्रोवाइड सबनेटेड आईपी, सबनेटेड आईपी, क्लियर है? यस सबनेटेड का मतलब क्या होता है कि अब ये देखेगा भाई सर, हमारे पास तो ये पूरा एक नेटवर्क है सी क्लास का, जिसमें कितने कंप्यूटर हम लगवा सकते हैं, 256 टोटल एड्रेस बना सकते हैं, जिसमें 254 तो यूज्ड होंगे, एक तो आईएसपी एंड से और रिजर्व और सारी चीजें हो जाएंगी। तो भाई अब यहाँ पर इसको 6 कंप्यूटर के लिए आईपी चाहिए, तो हम इतनी आईपी देंगे तो आईपी वेस्ट होगा। अब किसी को खाने में 2 रोटी चाहिए और आप उसको 10 दे दे रहे हो तो क्या होगा, आपका नुकसान, उस उधर भी नुकसान है ना, और एक नंबर फुल हो जाएगा, रोटी खत्म, और दूसरे को आप कैसे दोगे, आपके पास 10 ही रोटी थी, दूसरा आता कहता नहीं मुझे भी 2 रोटी चाहिए, तो आप समझ रहे हो। यस यस तो हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम इस तरीके के सबनेटेड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ये हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कल के मतलब अगले सेशन में सिर्फ सीसीएनए वाले ही ज्वाइन करेंगे, तो उनको ही मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा सबनेटिंग और सारी चीजें विद डेप्थ पार्ट। ओके, तो फंडामेंटल क्लियर है सबको, आई थिंक यस काफी डेप्थ में यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, और इसको जरूर देखेंगे। एंड चैनल पर बहुत सारे ऐसे बेसिक इस टॉपिक्स और सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो उसको देख सकते हैं। बाकी सीसीएनए वाले तो एक्सेस करके अपना देख रहे होंगे।